ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿਵਾਜੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਅਕੀਦਤ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸੁਣੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕਦਮ ਮਨ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁਨੰਦੜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜਪੰਦੜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਪੰਜ ਜਲੰਦੜੀ। ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਇਓ, ਪੂਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸੋਏ ਸੁਨੰਦੜੀ, ਸੋਏ ਸੁਨੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਾ, ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੇ, ਪੰਜ ਜਲੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰ ਆਤਮਕ ਸਟੇਜਸ ਹਨ, ਆਤਮਕ ਪੜਾਓ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਰੰਭ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਸੁਨੰਦੜੀ ਤੋਂ, ਸੋਏ ਸੁਨੰਦੜੀ, ਅਤੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜਾਗ। ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਉਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਯਾਦ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚੇਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਏਗਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ। ਜਪੰਦੜੀ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਜਪਣਾ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਚੇਤਾ ਆਉਣਾ। ਜਪੰਦੜੀ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਨੰਦੜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਨੰਦੜੀ ਤੋਂ ਜਪੰਦੜੀ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਵਸੀ, ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ, ਰਿਦਾ ਬੇਬਲ ਹੋਇਆ,
मन दे अंदर चा उठिया ते फिर महाराज कहिंदे पंद जुलंदड़ी तिना अखरां दे अर्थ समझियो सुनंदड़ी सुनना जपंदड़ी जपना ते पंद जुलंदड़ी मतलब रस्ते ते तुरना मार्ग ते तुरना पहला सुनिया फिर अंदर याद वरत गई ते फिर उहदे रस्ते ते तुर पए ते जदों उहदे रस्ते ते तुरे ते फिर की होया जी हले पहुंचे नहीं है अजे रस्ते ते तुरे ते मेरा अंदर ठंडा गर्मियां दी रुत्त बहुत सारे लोग बर्फीले इलाकियां नूं पहाड़ी इलाकियां नूं विजिट वास्ते तुरे बच्चों ने छुट्टियां पईयां ते बर्फीले इलाकियां नूं साढ़े उत्थे फतेहगढ़ साहब के नेड़े शिमला पै जांदा है शिमले नूं तुरे ओह अगे गुरदासपुर वालियां नूं डलहौजी पै जांदा डलहौजी नूं तुरे जदों अग नहीं सी बलदी लोग कश्मीर नूं भी जांदे सी ठंडक है अजे तुरे आ पहुंचे नहीं है ते ज्यों ज्यों तुरे ज्यों ज्यों नेड़े गए ठंडियां हवावां दे बुले आने शुरू हो गए जिन्हां ने कदी पहाड़ी इलाकियां दा सफर किया ठंडक वाले इलाके विच गए ने उन्हां नूं इस गल दा ज्ञान है अजे कश्मीर पहुंचे नहीं उधमपुर लंघे पत्नीटॉप आया जिन्हां ने सफर किया उन्हां दे ध्यान च आएगा चेता ते ठंडक दा एहसास होण लग पिया हवा रुमकण लग पई उस दिशा नूं मुख करके तुरे अजे पहुंचे नहीं अजे वेख्या नहीं अजे कुछ कदम तुरे है ते ठंडक दा एहसास होण लग पिया ते जदों पहुंच गए भावें उह तन दी शीतलता है भावें बाहर मुखी प्रमाण है साध संगत जदों पहुंच गए उदों शांत उदों ठंडा उदों शीतल हो गया अजे तुरे नहीं अजे पंध दे उत्ते पए पंध जलंधड़ी मेरा अंदर ठंडा ते जदन देख लिया हुण अंदर नूं आईए ये गल्लां बाहर दियां सी ना मैं शहरां दे नां लए मैं रस्ते दे नां लए मैं टिकाणियां दे नां लए ते उह बाहर मुखी सी सिर्फ प्रमाण वास्ते हुण अंदर परतीए जिथे गुरु साहिब लैके जाना चाहुंदे आ सुनंदड़ी तों जपंदड़ी तक ते जपंदड़ी तों रस्ता शुरू होया याद करदिआं करदिआं जी किता बस हुण नहीं रह सकदा चलो जी तुर पए ते जदों तुरे अंदर ठंड पई ते जदों पहुंचे ते फिर की होया दर्शन देख निहाली सारी जिंदगी का तत् जड़ा ना रूहानी पैंडे का तत् जिंदगी का जिन्ना मनोरथ है ये एक वचन के अंदर एक श्लोक के अंदर सतगुरु जी ने दस दिता जे कित वाकई एक शब्द मेरा प्राण बस्त है तो ये शब्द जड़ा ना एक शब्द जन्मां दे जंजाल कट सकता है बहुर जन्म ना आवा एक शब्द साढ़े संगल कर सकता साडा मनोरथ पूरा कर सकता असी मकसद पा सकते हैं सिर्फ ये चार गल्लां समझ विच आ जाए तीन प्रैक्टिकल है चौथी अप्रोच है अध्यात्मक मार्ग गुरमत का मार्ग इथों शुरू होना है सुनंदड़ी तो इत्थे जिहड़ा शब्द है ना सोए सोए सुनंदड़ी वैसे विद्वाना ने अर्थ किया भी तेरी सिफत सलाह सुन के तेरी शोभा सुन के पर जिहड़े ठेठ पंजाबी तो जाणू ने ना उन्हां नूं इस गल का चंगी तरह ज्ञान है सो सुननी मतलब माड़ी जी कनसो मिली है अजे पूरी तरह नहीं सुनिया थोड़ा जिहा कन्नां विच पिया भी अच्छा इस तरह दा माड़ी जी सो सुनी चलदिआं चलदिआं माड़ी जी गल कन्नां विच पई इहनूं कहिंदे आ कितों सो मिली एक शब्द वरतदे आ सी भी भाव माड़ी मोटी कोई खबर मिली मेरे दाता तेरी थोड़ी जी कीर्ति तेरा थोड़ा जिहा गुण भी जिन्हां दे कन्नां विच पै गया सो सुण के
ਫਿਰਦਾ ਮੌਲ ਪਿਆ, ਖੇੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤਪਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ, ਸਰਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਸਾਤ ਮਿਲੀ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਆ ਗਈ, ਮੌਲ ਪਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੌਲਣਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋਈ ਮੌਲਾ ਜਿਨ ਜੱਗ ਮੌਲਿਆ, ਹਰਿਆ ਕੀਆ ਸੰਸਾਰੋ। ਮੌਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਮੌਲਣਾ ਅਸੀਂ। ਮੌਲਾ ਮੌਲਣਾ ਮਤਲਬ ਖੇਡਣਾ। ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰ ਬੂੰਦਾਂ ਪਹਿਣ ਤੇ ਸਹੀ ਇਸ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਬੂੰਦਾਂ ਬਰਸਣ ਤੇ ਸਹੀ। ਕਲਮਲ ਹੋਈ ਮੇਦਨੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਲਿਵਲਾਏ, ਸੱਚੇ ਸੁਣਿਆ ਕੰਨ ਦੇ ਧੀਰਕ ਦੇਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਇੰਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਗੁੱਠਾ ਸ਼ਹਿਬਰ ਲਾਏ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਬਰ ਲਾ ਕੇ ਬਰਸਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਰ ਬੂੰਦਾਂ ਤੇ ਟਿਕਣ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਆਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਕਿਤੇ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਬੰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀ ਕਿਤੇ ਬਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਖਾਲੀ ਚੱਲੇ ਧਨੀ ਸਿਉਂ ਟਿੱਬੇ ਜਿਉਂ ਮੀਆਂ ਹਾਂ, ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸੁੱਕੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀ। ਸੁਣ 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 ਜੀਵੈ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾਂ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਿੱਖ ਸੁਣਦਾ, ਸੇਵਕ ਸੁਣਦਾ ਨਾ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੁਣਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਸੁਣਤ ਕਹਿਤ ਸਭੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਮਾਨਤ ਪਾਏ ਨਿਦਾਨਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਸੁਣਨ ਤੋਂ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਅਵਸਥਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਅਵਸਥਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰ ਨਾਥ, ਸੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੰਨ ਪਾੜ ਕੇ ਨਾਥ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਥ ਬਣਨਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿਰ ਸਵਾਹ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗ੍ਰਿਸਤ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੋਗੀ ਬਣਨਾ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋਗੀ ਬਣਨਾ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰ ਨਾਥ, ਸੁਣਿਆ ਧਰ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼, ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ, ਸੁਣਿਆ ਪੋਹ ਨਾ ਸਕੈ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਕੀ ਸੁਣਨਾ? ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ। ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਕੰਗਾਲ ਸੀ, ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਸੋਏ ਸੁਣੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੇੜਾ ਆਏਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਆਏਗਾ। ਸੁਣਿਆ ਸੱਤ, ਗਾਹਕ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਧਨ ਨੇ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਨੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਹੁਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੱਟ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਆਇਆ। ਸੁਣਿਆ ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਸੁਣਿਆ ਅੱਠ ਸੱਠ ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸੁਣਿਆ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਪਾਵੈ ਮਾਨ, ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ
दुख पाप का नाश। कमाल दी अवस्थावां ने वेखो किन्नी चेंज आउंदी है, इन्हों अंदरों धुर अंदरों प्रतीत करके वेखो साध संगत, कल्ला मेरे कथन तक ना रहे। सुनिया सरा गुणा के गाह, सुनिया सेक पीर पातशाह, सुनिया अंधे पावे राह, सुनिया गज के कहो ना सुनिया हाथ होवे असगा, जड़ा असगा गहरा सागर है हाथ दे दिंदा हाथ। जेडे तुर के दरियावां नूं पार करन वाले ना, ये शब्द वरतदे भी दरिया हाथ नहीं दे रहा। मैं कई बारी रावी दे पत्तन ते बैठे लोगों नूं वेख्या, गुरदासपुर के बार्डर के उत्ते पुल नहीं सी बनिया, तो कई बारी सारा सारा दिन लोग बैठे हुए उड़ीकते सी दरिया हाथ नहीं दे रहा। कुछ शब्द जड़े ने जो प्रैक्टिकल रूप में सुनांगे तो वह ज़्यादा समझ में पैंदे आ। फिर सानू गुरु साहब जी कहिंदे जिंदगी का जड़ा समुंदर तरन दुहेला सी ना, ते गुरसिखा जिदन तैनू सुनन की कला आ गई इन्हें हाथ दे देनी है। नानक भगतां सदा विगास सुनिया दुख पाप का नाश। इत्थों शुरू होनी है तेरी जिंदगी की गड्डी, इत्थों चलनी है सुनिया तो। थोड़ी जी तेरी सो मिल जाए सुनन नूं, थोड़ी जी जिंदगी च पलटा आ सकता है। एक छोटी जी इतिहास की गाथा मैं तुहाडे समक्ष रखनी चाहुंदा, होर गल क्लीयर हो जाएगी भी किवें कला वरतदी है साध संगत। तुरे तुरे जांदे आ जिन्हां दे कन्नां विच सो पै गई ना, हाँ एक चेते च रखी जिथे इथे क्या भी सोए सुनंदड़ी, उथे ये भी क्या भी कूड़ की सोए पहुंचा ना। जिन्नी ये थोड़ी जी गल सुनिया चेंज आ जानी है, उथे जदों कूड़ की सो भी थोड़ी जी पै गई ना तो उन्हें बर्बाद भी कर देना। ये भी ख्याल रखी कि कूड़ की सोए पहुंचा ना ही मनसा सच समान। साहिब गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह महाराज श्री खंडूर साहब की धरती से विराजमान ने, दूर दुरेडे तो संगत होंदिया सी, ते जिहड़े नेड़े वसन वाले सी ना, कई बारी सात संगत बहुत ही नेड़े वाले जिहड़े ने ना वो लाहा खट्टण तो रह जाते हैं, प्रतीत नहीं आती कई बार। यही कारण सी ना भी तपे दे कहे लग गए पखंडी दे ढाए चढ़ गए, जिहड़े पिंड च वसण वाले सी जिमीदार, ते वो पखंडी ने कहा भी गुरु अंगद साहब जी नूं इत्थों भेज दिओ ते फिर बारिश हो जाएगी। प्रतीत पूरी नहीं सी आई उन्हां उत्थे। नज़दीक एक बड़ा प्रसिद्ध मनुख, प्रसिद्धि कई रूपां च मिल जाती है, बड़े चुप चुपीते तुर गए नाम दे रसीए धर्म कमाउण वाले, ते इस संसार दे उत्ते बहुती प्रसिद्धि जड़ी सी ना इल्तका नाओ चौधरी कूड़ी पूरा थाओ, ये फितरत है इस बाया समाज का। एक नौजवान है दुनिया जानती है जिदा कदी जन्म वेले मापिया ने रीझना ना रख्या होएगा, रब की मेहर हुई ते नाम रख्या मेहर चंद, बड़ी मेहर की है रब ने साडे घर उत्ते। मापिया का साया हौली हौली उठ गया सिर तो, बाल वरेस सी, वागडोर मुक गई, दिशा निर्देश मुक गए, बड़े वड्डे फर्ज ने मापिया के जिन्हां ने डायरेक्शन देनी है जिंदगी नूं। भोले पंच सिख रहत मर्यादा च एक बचन लिखिया भी जिन्नी देर बच्चा बच्ची सुरत नहीं संभालते, अमृत उदों छकना जदों उन्हां नूं समझ आ गई सुरत संभाल ली, उहदे तों पहलां मापिया का फर्ज है उन्हूं सिखी दे रंग विच रंग के रखना। तैयारी मापे करदे आ, जिवें मां जूनी ते भाई भगता जी ने बालक दीपे दी कीती सी ते सिख कौम विच फिर वह बाबा दीप सिंह बने, बड़ी तैयारी कीती सी उन्होंने, बीज पैन तो पहला धरती तैयार कर दिती सी मापिया। मापिया का साया उठ गया ते मेर चंद मेरू बन गया, मेरू गुण ना रहे, जिंदगी दी दशा दिशा बदल गई। नौबत इत्थों तक आ गई, वेलड़ फिरदियां फिरदियां ऐब आ गए
चोरी चकारी ते जदों इदां दी बेईमानी दी कमाई आउंदी है ते सारे ऐब पिछे तुरे आउंदे आ। मेहनत करके कमाया होवे ते बंदा ऐबां तों बच जांदा है। ये दात मंगया करो गुरु साहब जी दे कोलो सच्चे पातशाह, रिजक दयो पर मेहनत दी दयो, कमाई दयो पर मेहनत दी दयो। मेहनत दी मंगांगे तंदुरुस्ती नाल मिलेगी, किरत करांगे तंदुरुस्त होवांगे, ते रिजक दयो पर मेहनत दी दयो। ते दूसरा उन्हों खर्चन लग्या बंदा सौ बारी सोचता है, इन्हों कंजूसी ना समझना, इन्हों संजम समझना, संजम नाल खर्चना। चोरी करदा सी मेरू, दुनिया दे ऐब आ गए ते किन्नी क वारी दा लगदा हुंदा किते, लोकी सुचेत हो गए, ऐब वध गए, खर्चे वध गए, चोरी लई किते टिकाणा ना मिले। ते एक दिन मेरू दे मन विच सोच आई वी खंडूर साहब बड़ी संगत आउंदी है, दूर दुराडे तो सिख आउंदे, इन्हां कोल बड़ा कीमती समान हुंदा, ये पिटावां लैके आउंदे ने, बड़े सोहणे तोहफे लैके आउंदे ने गुरु साहब लई। ते जे किते गुरु घर पहुंचन तो पहला पहला रस्ते च इन्हां दे दा लग जाए ना, बड़ा कुछ हाथ लग सकता है। बुरियाई ते उतरिया होया बंदा कुछ नहीं वेखदा, फिर ये राजे दा घर है कि कंगाल दा घर है, गुरु दा घर है कि जां किसे मनुख दा घर, की फर्क पैंदा है। मेरू ने तरकीब बना ली ते दूरों काफले आउंदे सी, बिखड़े रस्ते हुंदे सी, ते सिखां दा अक्सर ये यतन हुंदा सी वी जदों सतगुर जी दीवान विच सजनगे फिर असी दर्शन करांगे, अपनियां पिटावां अर्पण करांगे। दूरों चले सिख जदों काफलियां दे रूप च कवेले पहुँचते, कवक्ते पहुँचते, ते अक्सर रस्ते च पड़ा कर लेंदे, अज वर्गे राह नहीं सी, वसों नहीं सी, झाड़ियाँ फनूस धरती आबाद नहीं सी, बेआबाद सी। काफला आ रहा है ते मेरू जिथे काफले ने रात का पड़ा किया ना, सिख संगतां का काफला आ रहा, उन्होंने नेड़े जे कुछ झाड़ियों में छुप गया भी जदों ये सौ जाएंगे हाथ साफ करांगा निकल जावांगा। काफला रुकिया, प्रशादा तैयार किया, इदा ही मुसाफर इदा ही करते, लंगर वरत्या, गुरु के शब्द गाउण लग पे। जेडे पैंडा मार के आए से उन्हें एक रात सामने गुरु का दार है, कितने नींद आवे उन्होंने, गुरु का कीर्तन करन लग पे, कोई गुरु के बचन सुनाउण लग पिया। करद्या कतरद्या अद्यों वध रात गुजर गई, इहदे अमृत वेला हो गया, तो सिखां दे अंदर उत्साह, उन्होंने कहा चलो गुरु साहब के दरबार सज गए होणगे, अमृत वेला हो गया, चलिए गुरु के दरबार च। मेरू का दा नहीं लग्या साध संगत, पर इन्ना नज़दीक छुप के बैठा सी भी जदों इन्हां दीआं गल्लां मुक्कण, जदों इह सौं जाण, चुप वरते ते मैं चोरी करा ना, उह चुप कीते ना, मेरू का दा लग्या, पर कन्न ला के सुणदा जरूर रहा। हुण वैसे तो लालच नहीं सुण रहा सी, मकसद तो लालच सी, पर सुनते रहा सी ना, वो जो जो सुनता सी अंदर महसूस हुंदा गया, गुरु दे बाणी सुनी, सिखां दी जिंदगी च वरते हुए गुरु दे कौतक सुने। हर कोई सुनावे जी मेरी जिंदगी च इदां महाराज ने कृपा की, मेरे इदां काज सवारे, मेरे ते इदां बख्शिश हुई, चलो जी ये सुन सुना के मेरू चलिया गया, दा नहीं लगा। दूजे चौथे फिर काफला आया, माल सुभाव बड़ा इन्हां दे कोल, रस्ते च पड़ा किया, नेड़े जो रुके तो फिर मेरू ने कोशिश की मैं कि छुप के रात दा लावांगा, नाम बाणी दे रत्ते हुए सिख नज़दीक पहुँच के वह भी ना सुते, गुरु दियां बातां करदियां रात गुजर गई, बाणी दे शब्द पढ़दियां रात गुजर गई। मेरू अज भी कन्न ला ला के सुनदा रहा, दा नहीं लग्या, पर सुनने विच रुचि बन गई भी गल्लां बड़ियां प्यारियां ने, भी इदां दी कला भी वरतदी है गुरु दी, विगड़े हुए काज गुरु सवार दिंदा, विगड़ी हुई जिंदगी गुरु सवार दिंदा, बड़ियां दियां सुनिया। गाथाकार कहिंदा भी कुछ दिन गुजरे ते हुण जदों बंदे दा मकसद ही होवे, जिहदा मकसद है दुकान ते जाना, जिहदा मकसद है दफ्तर जाना, उह ते जांदा ही है, इहदा मकसद चोरी करना सी,
कुछ दिनों बाद आते काफले की चोरी करने वास्ते फिर मेरू नेड़े जे छुप गया जिथे वह रुके। होया तीजे दिन भी इदा ही साध संगत प्रशादा पकाउंदिया छकदिया वरताउंदिया अद्धी रात गुजर गई। अमृत वेला सिखा ने संभालिया तो गुरु दर्शनों नूं तुर पे, पर तीन दिन कन्न ला के सुनदिया 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 बूंदा पैंदियां जाण ना, बूंदा पत्थर ते भी पैंदियां जाण, टिप 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 बूंद पैंदी होवे ते अपना असर छड्ड जांदी है। चंदन पत्थर ते भी रगड़ीए ते अपना रंग छड्ड दिंदा है। तेरा नाम करी चरनाठिया जे मन उरसा होए। हुण इस हिरदे दे उत्ते भी कुछ ना कुछ ते असर होना ही सी ना गुरु को। ये जिहड़ी सो सुनी हुई है ना, व्यर्थ नहीं जांदी। सोए सुनंदरी मेरा तन मन मौला, कुछ ते मौलना ही है ना। पानी दियां बूंदा धरती च पईयां, कोई घा दियां वण तिण प्रभ संग मौलिया, हरा ते होना ही है ना उन्हें। बूंदा पईयां जदों ते वण भी ते तिण निक्के निक्के घा दे तिणके भी हरे हो जांदे आ। ये तीन दिन जिहड़ा सुनिया सी ना, बीज पिया धरती च, बीज पिया दिसदा नहीं, मिट्टी विच पै गया, पर अंकुर ते फुटदे ही है ना, भावे दिस नहीं रहा अंकुर ते फुटना ही है ना। देर सवेर नूं उहदे बीज दे विचों अंकुर ते निकलना ही है ते अंकुर फुटिया। मेरू दा मन बदलिया, सोच बदली। उस सोच ने जिन्हें कभी कल्पना नहीं सी कीती कोल रहिंदे आ भी मैं कभी खंडूर साहब जाके गुरु साहब के दर्शन करा। अज यह है चेंज गुरमुखो, जिन्हें मैं बेनती की भी चेंज आती है। अज मेरू दे अंदर एक नवा फुरना आया, और आया वो संगत दे जरिए। फिर मना ये बड़ी दूरों दूरों आते हैं सिख, मैं कभी नेड़े होके भी नहीं गया, तो गल्लां भी बड़िया कमाल दियां करदे आ गुरु दियां। जिहड़े गुरु दियां इन्नियां बातां सुनियां सी ना, हुण दिने फिरदियां तुरदियां इधर उधर घूमदियां चेता जिहा आई जावे, चेता जिहा सुनन तो जपंदड़ी तक, सुनंदड़ी तो जपंदड़ी तक। जपंदड़ी का मतलब है याद आनी। आ है सफर, सिखी सफर का ना है, सिखी स्थूल का ना नहीं, स्टिल होने का ना नहीं है। ना तो स्थूल की पूजा है, ना सिख ने स्थूल होना है भी समाधि लाई तो स्थूल हो गए, नहीं नहीं। सिखी सफर रागां कुतरांग, ट्रैवल का ना सिखी, अगे वधन का ना सिखी है। ते तुरद्या फिरद्या सुनंदड़ी तो जपंदड़ी तक पहुंच गया। जेडे बापू दियां, जेडे साहिब गुरु अंगद पातशाह दियां इन्नियां गल्लां सुनियां सी, वो चेता आई जाए, कुछ कु घड़ियां बाद चेता आई जाए एक चोर नूं। जे वो जिहड़ा चेता सी ना उहने मजबूर कर दिता पंध जलंदड़ी वास्ते। ये स्टेजेस वेख्यो गुरमुखो, सुनंदड़ी तो जपंदड़ी, ते जपंदड़ी ने मजबूर कर दिता पंध जलंदड़ी वास्ते भी चल वो राह ते चल जिहड़ा गुरु दे घर नूं जांदा है। मेरू चल पिया, ते इहनूं ऐ महसूस हुंदा भी जिवें चिट्टे दिन वांग, जिवें सब कुछ चिट्टे दिन च दिसदा ना, जिवें सारी संगत मेरे औगण वेख रही होवे, ते सब तो पिछे मूँह जिहा छुपा के, क्योंकि दुनिया कहिंदी सी, इलाका कहिंदा सी मेरू चोर। मापियां दा मेहर चंद कु संगत विच डुब्बिया ते मेरू चोर बन गया, ते ये मूँह जिहा छुपा के जिवें लोग सारे औगण वेख रहे होण चलिया गया, ते छुप के पिछे जे बैठन लगा। सुनंदड़ी तो जपंदड़ी, ते जपंदड़ी तो पंध जलंदड़ी जिदन आना है, ते ये ना समझी भी मेरे गुरु नूं ज्ञान नहीं है, पता नहीं है। सतगुरु जी ने बुलाया, कहिंदे आ जा भाई मेहर चंद, संगत विच जिहड़ा आ गया, ते संगत विच मेरू चोर थोड़ा क्या जाएगा। गुरमुखो कौन कहेगा मेरू चोर? इत्थे मैनू वेख के लोकी कहिंदे भाई साहब कोई औगण नहीं चितारेगा। हजूर ने कहा भाई मेहर चंद इत्थे आ जा साडे लागे, चरणा ते सिर रखिया, अंदर ठंडा गुरदर्शन देख निहाले। असल विच बाणी दी व्याख्या गुरसिखां दे जीवन चो ही हुंदी है गुरमुखो, मैं ते अक्खर ही बोल सकदा। अंदर ठंडा होया, गुरदर्शन देख निहाल होया,
इज्जत मिली, अदब मिलिया, ज्यों दा मापियां दा साया उठिया सी, इह इज्जत दा बोल कदी कन्ना च पिया ही नहीं सी। नफरत ते तिरस्कार दे नाल लोक कहिंदे सी मेरू चोर, ते अज गुरु ने अदब नाल कोल बिठा के कहा भाई मेहर चंद प्रशादा छके। सिर जा चुकाया, निगाहां धरती च गड्डियां, आख्या नहीं, हौली जी महाराज कहन लगे जाओ बंद करो ना करो, हाथ जोड़ के बेनती है गुरु घर आंदे फोन बंद कर, दो घड़ियां इत्थे टिकाओ बना लिया करो। साहब कहन लगे प्रशादा छके नहीं। महाराज कहिंदे पहला पंगत पातशाह संगत जाओ। अज पंगत विच गया ते मां खीवी जी प्रशादा वरतारे, साहिब अमरदास जी जल वरतारे, भाई शीहां उपर वर्गे सिख बर्तन वरतारे, अदब नाल सन्मान नाल किसे ने बर्तन दिता, किसे ने हाथ धोए, मां जी ने प्रशादा परोसिया, इज्जत सन्मान अदब आदर यह मिलिया गुरु के घर विचों। ते जो ग्राही भोजन की अंदर गई, जिवें कोई अंदर की दैंत आत्मा बाहर निकल गई होवे। भाई मेरू भोजन छक के आया ते साहब दे चरणा ते डिग के जार जार रोन लग पिया। महाराज मैं बहुत पापी हाँ, बहुत पापी, बड़े गुनाह किए ने, मैं कदी धर्म की कमाई नहीं खाधी, बड़े पाप विच गलतान है मेरा जीवन। साहब ने सिर ते हाथ रखिया ते काया कल्प कीती, वह मेरू संगत विच सेवा करके भाई मेहर चंद गुरु दियां मेहरां दा पात्र बन गया साध संगत। पर सफर कितों शुरू हुंदा है? सोए सुनंदड़ी, भावें किसी रूप में आके एक छिन सुन लै, सुनन तो बिना गड्डी अगे नहीं जे तुरनी। सुनना बीज है, ते बीज तो बिना फल की आस ना रखी। मिलाप के फल तक पहुंचने वास्ते जरूरी है भी बीज पा लीए, हिरदे की भूमि नरम होवे संगत कर करके, धरती नरम होवे तैयार होवे, बीज पवे पौधा बने, बूर पए फल लगता ते रस पैंदा। इस तरह सत संगत विच हिरदे ने कोमल होना है, नरम होना है, ते जो तुसी सुन रहे हो गुरु की सो इन्हें बीज बनना है, ते फिर मिलाप का रस, ते जिदन मिलाप का रस मिलिया फिर दर्शन देख निहाली। इसलिए मैं बेनती की स्टेजेज ने सुनंदड़ी अपने आप ही याद शुरू होनी है, जड़ा असी कहिंदे ना जपिया नहीं जांदा, क्यों सिमरी सिमरिया नहीं जाए, तपहे आओ जीअड़ा बिल लाए। जिदन ये सरवण करन दी मेघ बरसिया ते तैनू यतन नहीं करना पैना, याद आई जानी है भी मैं ये सुन के आया सी, सारा दिन ये रील चली जानी है तेरे अंदर भी अज मैं गुरु के घर गया सी, आ गल बड़ी सोहनी सतगुरु जी की सुनी, आ बचन बड़ा सोहना गुरु साहब जी का सुनिया। जिदन सुनिया होया टिकाने विच टिक गया ना, ते तेनू याद करनी नहीं पैनी, याद भुलनी नहीं तेनू, फिर स्टेजेज आनी है सुनंदड़ी तो जपंदड़ी तक। तन मन मौला नाम जपंदड़ी लाली, ये एक खुशी का प्रगटावा है। जो कोई बहुत खुश हुंदा है, कोई खुशी की खबर मिलती, कहिंदे लाली चढ़ गई इहनू ते सुन के, इदां गुरु की याद ने तेनू खुशी देनी है कि तेरे चेहरे तो उदासी उड जानी है, ते वो लाली भा मारेगी, पखेगा तेरा चेहरा, खुशी का रंग उजागर होगा। तो फिर पंध ते तुर पिया, पंध तां मैं बेनती की सी, सिखी सथूल की पूजा नहीं, तो सथूल होण दा ना नहीं, सिखी क्रियाशील रब की इबादत है, तो सिख ने भी क्रियाशील होना। पंध का मतलब है रस्ता, रस्ते उत्ते लाश नहीं चल सकती हुंदी, आत्मक तौर पर जिंदा सिख इस रस्ते का पंध ही बनता है। पंध जलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, गुरदर्शन देख निहाली। हुण एक सवाल खड़ा होया, निहाल मतलब आनंदत किरतारत, सवाल खड़ा होया भी दर्शन तो मैं करदा, पर यह जिहड़ी निहाल वाली तुसी गल कर रहे हो यह तो मैनूं मिली नहीं, जिवें मेहरू नूं मिल गई सी निहाल निहाल निहाल। गुरु साहब जी ने
ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇਹ ਹੋ। ਨੇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਜਲਾਦ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਨਿਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਮਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਕੇਵਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤੱਕਣ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਦਲੇ, ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇਹ ਹੋ, ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲੀ, ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਵੇਖਣ ਕਾ ਚਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਲੀ ਕਿਰਪਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਵਰਤਿਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੱਠ ਮਜਾਹੂ ਮਾਣਕ ਲੱਦਾ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਣਕ ਅਮੋਲਕ ਵਸਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਲੱਭ ਗਈ, ਅਮੋਲਕ। ਹੱਠ ਮਜਾਹੂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤੋਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਢੂੰਡਣ ਚੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ, ਘੱਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ, ਘੱਟ ਹੀ ਆ ਅੰਦਰ ਟਿਕਣਾ ਸਿੱਖ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਗੁਰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵੋ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵੋ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ, ਸਭ ਕਿਛ ਘਰ ਮੈਂ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਜਾਵੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਕਾਹੇਰੇ ਬੰਨ ਖੋਜਣ ਜਾਏ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੈਂ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੀ। ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ, ਹੱਠ ਮੰਜਾਹੂ ਮੈਂ ਮਾਣਕ ਲੱਦਾ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬੁਲਾਇਆ। ਬੁਲਾਇਆ ਮਤਲਬ ਬਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਟ ਬਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੀਵਾ ਬਲਿਆ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੈਂਡਲ ਬਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਟਾਰਚ ਬਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ? ਦੋ ਬਲਬ ਜਿੰਨੀ, ਚਾਰ ਟਿਊਬਾਂ ਜਿੰਨੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ, ਸੂਰਜ ਚੜੇ 1000, ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਬੁੱਲਿਆ ਕਰੋ ਬਾਣੀ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬੁਲਾਇਆ। ਪ੍ਰਚੰਡ ਸ਼ਬਦ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਲਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਗਿਆਨ ਬਲਿਆ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਬਿਨਸਿਆ, ਇਕਦਮ ਲਾਈਟ ਹੋਈ, ਇਕਦਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਹਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਲੱਦਾ। ਆਹੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਹੱਠ ਮਜਾਹੂ ਮਾਣਕ ਲੱਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੈਂ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੀ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰ ਫਿਰ ਲੱਭੇਗਾ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਕਿੱਦਾ ਮੈਂ ਕੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕੋ ਵੇ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲਕ, ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਟੋਂ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਲ ਲਾਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਨੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਹ ਲੱਭਦੇ ਢੂੰਡਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੈ, ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੈ, ਐਸਾ
ऐसा सतगुर जे मिले, ऐसा सतगुर जे मिले, उहदे नाल की सौदा करना, तिस नूं सिर सौंपी है विचों आप जाए। मैं मुल नहीं सी खरीद सकता क्योंकि दुनिया की दौलत नाल ते सौदा ही नहीं है। कंचन स्यों पाईया नहीं तोल, सारे संसार की दौलत एक शाबे च पा दीए ते कोई धनी खरीद लेगा? मुल ना किता, मैं मुल नहीं पाया, कीमत नहीं मैं तार सकता, ना मेरे पल्ले सी कुछ। मैकू का मतलब मैनू सतगुर दिता, सतगुर दिता। यह जरा मैनू माणक अंदरों लभ्या ना, मैनू नहीं सी पता लगना जो मैं सतगुर जी का ज्ञान प्रचंड बुलाया ना, तो मैं सतगुर जी ने दस दिता भी आ वेख किन्नी अमीरी है तेरे को। नौ निध अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका बिसरा। तो जो मैं सतगुरु जी ने दस दिता फिर महाराज कहते भी ढूंढ वंजाई थिया थिता, ढूंढ मतलब लभना, वंजाई मतलब छड़ दिता। हुण लभण की लोड़ ही नहीं, मैनू ढूंढण की लोड़ ही नहीं, बाहर ढूंढण ते छूट परे। की होया? गुर घर ही माहे दिखलाया था। साहब ने क्या तैनू दिखावा, तेरे अंदर है सब कुछ, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे। मैं क्यों जावा बाहर ढूंढण, मैनू की जरूरत है जान दी? दुनिया जा रही है, भटक रही है, उहां तो जाइए जा इहां ना होए। ढूंढ वंजाई खत्म हो गया मेरा ढूंढना, मेरी दौड़ खत्म हो गई। थिया थिता की हो गया, हूं स्थित हो गया, अस्थिर हो गया, ते मैं मिलाप दे आनंद विच लीन हो गया। मेरी यात्रा पूरी हो गई, मेरा सफर सफल हो गया। जन्म पदार्थ नानक जिता, इनू कहंदे आ गुरमुखो बाजी जितनी, इनू कहंदे आ असली तत् जित लेना, खट लेना। छोड़ जाहे से करें पराल, काम ना आवे से जंजाल, संग ना चाले तिन स्यों हीत, जो बैराई से ही मीत। ऐसे भरम भुले संसारा, जन्म पदार्थ खोए खोए गवारा। ओ गवार मत तो हीणिया, तू जन्म पदार्थ गुआरिया, भरम विच भटकण वालिया, निर्णा नहीं कर सकिया असली राह दा। ते जड़े दुश्मन सी उन्हां नूं मित्र समझ लिया, जड़े मित्र सी उन्हां नालों टुट गया, जो पराल सी उन्हूं कट्ठा कर लिया, जड़ा तत् सी उहदा गाहक नहीं बनिया। इनू कहिंदे आ जन्म पदार्थ गुआ लैणा। इत्थे साहिब कह रहे ने जन्म पदार्थ नानक जिता, गवाया नहीं जित लिया। बाजी जितनी है कि हारनी है, यह निर्णा तू करना। अगे पौड़ी विच बख्शिश कीती, जिसकै मस्तक कर्म होए सो सेवा लागा। सेव कमाउण दा मतलब है गुरु दे हुक्म दी टहल कमाउणी। हुक्म विच आत्मक कमाई भी है, हुक्म विच शरीरक कमाई भी है। कई बारी सेवा दी गल आउंदी है ते असीं सिर्फ समझदे हां भी सेवा उही जिहड़ी हत्थां नाल कीती जावे। सेव कमाउण दा मतलब है गुरु दे हुक्म दी कार कमाउणी। ते कौन कमाएगा? जिसकै मस्तक कर्म, जिहदी तकदीर जागी है, जिहदे भाग जागे ने। वेखो गुरु वर्गा ते संसार उत्ते कोई नहीं है, गुरु तुल कोई नहीं, पर उही गुरु की कार कमाउंदा जिहदे भाग जाग पैंदे, मस्तक उगड़ पैंदे लेख जिन्हां दे, जिन्हां दी तकदीर चेंज हो जाती है। गुर जैसा ना ही को देव, ते नाल की क्या, जिस मस्तक भाग सो लागा सेवा,
जिस मस्तक भाग सो लागा सेवा। वाह, जिसके मस्तक कर्म हुए सो सेवा लगा। कर्म दे लेख जी दे उगड़े ना आप जिन्हें लिखे से ते साहब दे चरणा विच आके चुकिया सिर, ये लेख उजागर हो गए जो कसौटी लगी ते जंग उतर गया, मुकद्दर जाग पे कुछ मिल जाए ना, असी शब्द वरतदे आ मुकद्दर जाग पे। जिस गुर मिल कमल परगासिया सो आन दिन जागा। सुते जाग पे हो गुरु नाल मिले ते जड़ा बुझिया हुआ कमल, जिवें सूरज चढ़े ते कमल जाग पैंदा ना, सूरज नहीं है ते कमल ऐ मुरझाया हुआ सिर सुटिया हुआ ऐ वेखण नूं लगदा भी इहदे मरिया हुआ फुल है, ते ज्यों ज्यों सूरज उदय हुंदा ते कमल खिड़दा है इसे तरह सिखा तेरा हिरदा खिड़ेगा। ज्यों ज्यों गुरु दे सन्मुख होवेगा वो सूरज ते अलोप हो जाता है, पर यह सूरज सदा है, सन्मुख हो अंदर जाग पाएगा। जिवें कमल प्रगासद है, लगा रंग चरणार बिंद सब भ्रम पाओ भागा। चरणा कमलां दा रंग चढ़िया, लगा रंग चरणार बिंद। तो मैं ये जरूरी बेनती तुहाडे चरणा च करनी चाहुंदा, जो चरणा की गल आएगी ना तो चरण का आखरी अर्थ है पैर, तो पैर का मतलब असं की समझते हैं, सानू पता है जो अंदर साडे वसिया होया भी हड्ड मास नाड़ा खून इनू पैर कहिंदे आ। ये वेखना भी पैर किदे ने, मूर्ति होवे पत्थर दी ते पैर भी पत्थर दे, मूर्ति होवे सीमट दी पैर भी सीमट दे, मूर्त बनी होवे सिर तो पैरां तक मिट्टी दी ते पैर भी मिट्टी दे। ते जिस मूर्त दी गल कर रहे हैं गुरमूर्त दी, वह कादी बनी है, गुरमूर्त गुर शब्द है, यह शब्द दी बनी है। तो इस वास्ते जो चरण शब्द आया तो यह साडे वाले पैर नहीं, बड़े लोगों धोखा दे के संसार नूं लुट्टिया अपने पैरां नाल जोड़ जोड़ के। चरणार बिंद का मतलब भी तेरे शब्द स्वरूप की गल है, सिर्फ मन नीवा करने वास्ते चरण शब्द वरते। लगा रंग चरणार बिंद सब भ्रम पाओ भागा। लगा रंग एक दा लगेगा जी, वेखो भरम ते भाओ का नाश हो जाना जो रंग चढ़िया। मैनू एक गुरसिख ने सवाल किया भी जो गुरु की नेड़ता गुरु की बख्शिश होंगी है तो की निशानी होंगी है, तो जिनी कु साहब ने सोझी दिती मैं यही गल कही सी भी सब तो पहली बख्शिश यह होंगी है भी डर खत्म हो जाता है, दुक्की टिक्की का डर खत्म हो जाता है, इट्टां दा मड़ियां दा थड़ियां दा शरीरां दा तस्वीरां दा जड़ा डर पिया होया ना, सब तो पहली निशानी है गुरु के नेड़े होने की भी अंदरों डर खत्म हो जाता है। तो साहब कहिंदे नाल भरम भी खत्म हो जाता है। लगा रंग चरणार बिंद गुरमुखो, ये रंग चढ़ जाए फिर हुण एक सवाल है भी चढ़ेगा किवें, जिदन भरोसा इको उत्ते होएगा ना उदन रंग चढ़ना है। तुसी बचन सुने पिछले दिन ही साहब ने आख्या सी मन तन रत्ता सच रंग, सावण चढ़िया ना उहदे च बचन आए सी मन तन रत्ता, गज के कहो मन तन रत्ता सच रंग। ते किवें चढ़िया महाराज सच रंग, चरनार बिंद का रंग सच स्वरूप वाहिगुरु जी, रंग किवें चढ़ेगा। तो बड़ी स्पष्ट गल जे जिदन इत्थे साडी सुरत टिक गई केवल एक ते भरोसा केवल एक ते उदन रंग चढ़ जाना है। ये गुरु साहब कहिंदे, मैं नहीं कह रहा, इको नाम आधार इको नाम आधार। इको नाम आधार इको नाम आधार। मन तन रत्ता सच रंग, जिदन सिर्फ ते सिर्फ एक आसरा। यह छड़ दिए गुरमुखो भरम ते पाओ, सिख बनने वास्ते मुरदा होए मुरीद ना गली होवना साबर सिदक शहीद, भरम पाओ
खोवना जिन्नी देर अंदर भरम है दुबदा दबंध दुचित्ती विश्वास ही एक कुत्ते नहीं उन्नी देर अंदर डर है उन्नी देर अंदर पट बाहरों पट करे असी अंदरों पट करे ये खत्म कर फिर रंग चढ़ेगा लगा रंग चरनार बिंद सब भ्रम पाओ पागा आत्म जिता गुरमती आघंजत पागा किदा जिणिया आत्म जिणिया सगल वस तां क्या किवें जिणिया इहनू गुरमती गुरु की मत लैके जितया ते कदी ना नाश होण वाला वाहिगुरु पा लिया आघंजत दा अर्थ है ना बिनसन वाला अविनाशी पागा मतलब पा लिया जिसै त्याया पार ब्रह्म सो कल मैं तागा समर्थ हो गया इस भयानक समय दे विच टक्कर लैण दे विकारां नाल टक्कर लैण दे समर्थ हो गया जिसै त्याया पार ब्रह्म जिन्हें वाहिगुरु सिमरिया साधु संगत निर्मला अठ सठ मजनागा सिख नूं अठाठ तीर्थ गिणन की लोड़ नहीं भी एक ते दो ते तीन ते चार ते पांच ते जाया इन्ने रह गए ने इन्या ते जाना है कोई जरूरत नहीं सत संगत विच चुभी ला रोज माघ मज्जन संग मज्जन कर इत्थे इशनान हुंदा रामदास सरोवर नाते इत्थे इशनान हुंदा साध संगत इत्थे मल उतरदी है साध संग मल लाठी किते तुहानू तीर्थ गिणन की जरूरत नहीं है हर रोज संगत विच चुभी ला ते साध संगत निर्मला अठ सठ मजनागा अठाठ तीर्थां दे मजन की जरूरत नहीं इत्थे मजन हो गया इशनान हो गया जिस प्रभ मिलिया अपना सो पुरख सुभागा वाह भागा वालिया असी कहिंदे आ जी दौलत बड़ी है बड़ा भागा वाला है सुख बड़ा बड़ा भागा वाला है साहिब कहिंदे ओ भागा वाला जिस प्रभ मिलिया अपना जिहड़ा खसम नाल जुड़िया नानक तिस बलिहारनै जिस एवड भागा जड़ा एडे भागा वाला है ना उहदे तो साहिब कहिंदे मैं बलिहार जांदा वो धन है उहदे तो मैं कुरबान जांदा सो महाराज साढ़े ते बख्शिश करन ये तीन गल्लां ने चौथी ते फिर पहुँचना भागा वाले तां बणांगे सुनंदड़ी जपंदड़ी ते पंध जुलंदड़ी सुन याद आवेगी याद आवे कि ते मिलन दे राह तुर पेंगा वो गुरसिख इदां ही करदे ने इत मार्ग चले भाई अड़े गुर कह सेकार कमाहे जियो त्यागे मन की मतड़ी विसारै दूजा पाए जियो पंध जुलंदड़ी ये है गुरु दे पंध ते तुरना जो गुरु कह रहा उन्हूं मनना ते फिर की होएगा अंदर ठंडा गुरदर्शन देख निहाले आत्मक आनंद आवेगा भुलां बख्श दे असीस दियो प्यार विच जुड़ के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।